नमस्कार दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कब्ज से कैसे मुक्त हो। प्रायः देखा गया है कि व्यक्ति कब्ज से जीवन भर लड़ता रहता है। जब व्यक्ति बचपन में छोटा होता है तो वो कफ का शिकार होता है, जवान होता है तो उसे पित्त की शिकायत हो जाती है और जब बूढ़ा होता है तो उसे वायु की शिकायत हो जाती है। अब प्रश्न पैदा होता है कि व्यक्ति कब्ज का शिकार क्यों होता है, तो हमें सबसे पहले जानना होगा कब्ज क्या होती है। कब्ज के तीन नाम है, क्या नाम है? वात, पित्त और कफ। जब शरीर में गैस पैदा होती है तो हम वात के शिकार हो जाते हैं, जब शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम पित्त के शिकार हो जाते हैं, जब शरीर में कफ बढ़ जाता है तो हम कफ के शिकार हो जाते हैं। अब प्रश्न पैदा होता है कि हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक किस प्रकार से इस रोग के शिकार होते हैं। जब हमारा जन्म होता है और जवानी तक हम क्या पीते हैं, हमारा मुख्य आहार क्या होता है? दूध होता है। तो प्राय देखा गया है कि बचपन से लेकर युवा अवस्था का समय हम दूध का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, इसी वजह से हम लोग कफ के शिकार होते हैं। जब व्यक्ति जवान होता है तो खाने पीने के प्रति लापरवाही करता है, खाने के नियमों का पालन नहीं करता, जितने नियम को तोड़ना है वो नियमों को तोड़ता है, इसका परिणाम होता है व्यक्ति एसिडिटी का शिकार हो जाता है। जब उम्र बढ़ जाती है, 50-55 साल की उम्र हो जाती है, तब व्यक्ति वात रोग का शिकार हो जाता है, मतलब गैस रोग का शिकार हो जाता है। क्यों? कि उस व्यक्ति का आहार जो जवानी में आहार का सेवन कर रहा है वही आहार वो इस उम्र में करने लगता है। और होता क्या है कि जब इस प्रकार के आहार का सेवन करता है तो वह आहार पचता नहीं। क्यों? कि उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है, पर आहार तो जवानी वाला ही होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यक्ति जीवन भर वात, पित्त और कफ इनसे संघर्ष करता रहता है और इसके लिए न जाने कितने उपाय करता है, सैकड़ों फॉर्मूले मिल जाते हैं। यदि आप किसी से चर्चा करो कि यार मुझे गैस हो रही है, मुझे कब्ज हो रही है, 50 लोग 50 प्रकार की सलाह दे देंगे, पर मेन चीज क्या है कि आपकी डाइट कैसी हो। तो हम इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियों से अवगत कराते हैं ताकि आप अपने जीवनचर्या को सुधार कर कब्ज से मुक्त हो। कब्ज के तीन नाम, मैंने जैसे आपको बताया था कब्ज के क्या नाम है, तीन, वात, पित्त और कफ। जब ये तीनों बैलेंस अवस्था में होंगे तो आप कब्ज से मुक्त होंगे। तो आज हम सीख रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा के एक अनमोल प्रयोग, उसका नाम है ठंडी पट्टी। ठंडी पट्टी के प्रयोग के लिए आपको मैडम सुनीता जोशी बताएंगे कि कैसे ठंडी पट्टी रखना है और कैसे ठंडी पट्टी हम रख सकते हैं। आइए आज हम ठंडी पट्टी के बारे में जानकारी लेते हैं। इसके लिए हमें आवश्यकता रहेगी एक नैपकिन और एक बर्तन जिसमें ठंडा पानी रखा रहेगा। नैपकिन को पानी के अंदर डुबा के निचोड़ लीजिए और उसको पेड़ ऊपर, नाभि के नीचे पेड़ ऊपर डायरेक्ट बॉडी को स्पर्श करते हुए रखें और लेट जाए आराम से। नैपकिन गर्म ना हो तब तक रखे रहने दीजिए 2-3 मिनट। उसके बाद इस नैपकिन को निकाल कर वापस ठंडे पानी के बर्तन में डालें, हल्का सा निचोड़ें, बहुत ज़्यादा टाइट ना निचोड़ें, हल्का पानी रहने दें और वापस से पेड़ ऊपर रख दें। इस प्रयोग को आप आधे घंटे तक कर सकते हैं, 2-3 बार आप पट्टी बदल बदल के कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने से आपके पेट की गर्मी कम होगी और भीषण गर्मी में आपको ठंडक का अनुभव होगा और आपके पेट के अंदर जमा हुआ कब्ज विकार निकल जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जन जन तक स्वास्थ्य के संदेश को पहुंचा सकें और स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकें।